हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको एक आइसक्रीम मशीन में गैस डालना सिखाते हैं। ये एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी जिसमें लो कूलिंग का इशू था। ये डबल फ्लेवर की आइसक्रीम मशीन है। इसमें सब चीज़ दो हैं, डबल कंप्रेसर है, 3 नोजल हैं और दोनों के लिए एक मोटर है। ये ऑपरेटिंग करने के लिए इसमें ड्राइव सिस्टम है और आगे वाली डिस्प्ले टच पैड में है और 3 इसके हब हैं जिसमें 2 फ्लेवर डलते हैं प्लस में एक मिक्स फ्लेवर आता है। अब मशीन हमने विजुअली देखने पर हमें मशीन सही लगी। बस इसमें कस्टमर ने बताया था कि आइसक्रीम नहीं जमा पा रही है। अब हमने जब मशीन को खोला, चेक करा तो इससे हमें कंडेंसर जाली इसकी लीक लगी, पर फिर भी हमने विजुअली सारा चेक करना सही समझा और मशीन की सारे चारों तरफ से विजुअली इंस्पेक्शन किया। साथ ही इसकी जो कंडेंसर जाली थी वो थोड़ी गंदी थी और ये जो लग रहा है ये कैपेसिटर होल्डर है जो कंप्रेसर को स्टार्ट करने में मदद करता है। इसमें R404 गैस है एक, और दूसरे छोटे वाले कंप्रेसर में 134 ही गैस है। अब जो ये सामने स्ट्रॉ दिख रहे हैं ये इनके स्ट्रॉ हब हैं और ये इसकी पीछे का कुछ इस तरह से मशीन दिखाई देती है। जो 134 ए वाली गैस का, इसमें एल्युमिनियम कंडेंसर है और 404 गैस के लिए कॉपर का कंडेंसर कंपनी ने इसमें दिया हुआ है। अब हम जैसे इसमें प्लग इन करते हैं तो बोर्ड तक तो सप्लाई आ रही थी पर इसके डिस्प्ले तक सप्लाई पहुंच नहीं पा रही थी। एक बार ऑन हुई थी, उसके बाद ये कट ऑफ कर गई। अब हमने इसमें जहाँ से मेन सप्लाई आ रही थी वो चेक करा कि मेन बोर्ड तक सप्लाई आ रही थी बट डिस्प्ले तक सप्लाई आ नहीं पा रही थी। अब हमने इसकी जो पीसीबी होल्डर है वो खोला, होल्डर लगाने के बाद मशीन ऑन हो गई। मशीन ऑन हो गई तो हमने थोड़ी देर मशीन को चलने दिया, देखते हैं कि इसका प्रेशर इसमें कितना है। और प्रेशर भी चेक किया तो इसमें माइनस में सुई जा रही थी। अब माइनस में सुई जा रही थी, हमने थोड़ी देर विजुअली चलने दिया कि कोई और कंप्रेसर कट पट तो नहीं मार रहा। अब थोड़ी देर चलने के बाद जब देखा कि मशीन माइनस में है, सुई उठी नहीं है, फिर हमने इसमें लीकेज टेस्ट करने के लिए प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया। अब प्रेशर डालना स्टार्ट किया तो इसकी जो कंडेंसर जाली का हब था वो लीकेज था और ये 404 गैस का कंप्रेसर था, एम्बार्को का 404 गैस का कंप्रेसर था। अब ये इसमें ड्रायर फिल्टर था जो कि हीटिंग को ऑब्जर्व करता है। अब इसकी जो कंडेंसर की पाइप था वो जहाँ से लीकेज था वो उसे हम हटा रहे थे। इसके ऊपर एक सोनालाइट वाल्व लगा होता है, वो लीक था, प्लस में जो कंडेंसर के जॉइंट थे वो लीक थे। अब हम जैसे इसे हीट कर रहे थे इसमें सोनालाइट बंद होने की कंडीशन में बैक कंडेंसर जाली हीट करी तो इसके पीछे की तरफ प्रेशर होल्ड था। अब प्रेशर होल्ड था तो हमने सोचा पहले एक बार हीट करके निकाल लेते हैं, देखते हैं निकलती है नहीं निकलती, और कंडेंसर जाली हमने हीट ही रखी। बाद में जब इसमें से प्रेशर निकलना स्टार्ट कर दे तो ये हमने वहीं पे ही छूट दी और फिर इस पाइप को काट कर हमने निकालना पड़ा। अब हीटिंग करने के लिए हमने हीट करते थे, इसमें साइड में स्टील की बॉडी थी जो, और जाली हीट करके हमने फिर बाद में काट कर ही निकालनी पड़ी। अब जब तक हम सोनालाइट वाल्व मार्केट से परचेज करने गए तब तक हमने ये कंडेंसर जाली के जो हेडर के पॉइंट थे वो हमने रिपेयर कर दिए। साथ ही जहाँ जहाँ हमें डाउट था कि यहाँ से लीकेज हो सकती है वो पॉइंट हमने सभी रिपेयर कर दिए। अब मार्केट जाते हैं, उसके बाद हम सोनालाइट वाला के आपको लगा के दिखाते हैं, पर बाकी कंडीशन हमने सर्विस करना ज़रूरी समझा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। ये सोनालाइट वाल्व था जो हम मार्केट से परचेज करके लाए तो ये मिला नहीं, फिर हमने पुराना ही रिपेयर करा और सेट करके एक बार ऑन करके देखते थे। बट हमने जैसे ये रिपेयर करा पर इसमें एक पॉइंट लीकेज रह गया जो अभी हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। साथ ही प्रेशर डाला तो ये पॉइंट देखिए, ये वीडियो में जो दिखा रहे हैं नीचे की तरफ से ये लीकेज रह गया था। अब लीकेज रह गया तो ये फिर हमने दोबारा से इसे रिपेयर करना स्टार्ट किया और रिपेयर करने से पहले हमको ये
जो इसकी कंडेंसर जाली में प्रेशर था वो रिलीज करना होता था। अब हमने हाथ से काट के प्रेशर रिलीज करेंगे, थोड़ा सा पाइप काटेंगे और उसके बाद हम इसे दोबारा से रिपेयर करते हैं। अब डिस्चार्ज के कंडेंसर के पाइप को हम थोड़ा सा काट के इसमें से जो भी प्रेशर होगा उसे हम रिलीज कर देते हैं, बाकी ब्रीजिंग करके हम आपको फिर दिखाते हैं। अब जो ये जॉइंट था ये तो रिपेयर करना ही था, साथ में एक सोलर वाल्व के जहाँ से लीकेज था वो लीकेज भी हमने बंद करनी होगी। अब वीडियो पॉज करके हमने रिपेयर करके आपको दिखा दिया। और उसके बाद हम इसकी बॉडी को जैसे खोले थे सोलर वाल्व वो वैसे ही सेट कर देते हैं ऊपर की तरफ से, और बाकी बॉडी को पैक करते हैं मशीन की। मशीन की बॉडी पैक करने हैं ये जो जिस प्रकार से हमने जो पॉइंट जैसे खोले थे बाकी हम मशीन को पैक करना स्टार्ट कर दिए। और मशीन को स्टार्ट करने के बाद एक तरफ हमने मशीन इतने वैक्यूम पर भी लगा दी। और मशीन वैक्यूम होती और वैक्यूम करने के लिए कम से कम हमें 15 से 20 मिनट वैक्यूम करना होगा। और इतनी वीडियो फिर लंबी हो जाती तो हमने स्टॉप करके मशीन को वैक्यूम करने मशीन की वैक्यूम करना स्टार्ट किया। और बाकी जहाँ जहाँ हमने पॉइंट रिपेयर किए थे जहाँ से लीकेज थी, साथ ही मार्केट से हम कोटिंग स्प्रे ले आए और पूरी कंडेंसर जाली और जो जो पॉइंट थे हमने सभी पर ही कोटिंग कर दी। और कोटिंग स्प्रे मारने के बाद बाकी हम मशीन को इतने वैक्यूम में तो हमारी मशीन थी चली रही, बाकी कोटिंग स्प्रे मारने के बाद हम फिर बाद में उसकी बॉडी को भी सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो जो मशीन की जहाँ से क्लीनिंग करनी थी हमने बैठे बैठे वो मशीन की क्लीनिंग भी की, साथ ही वैक्यूम मशीन से वैक्यूम भी होता रहा। हमने इस मशीन में वैक्यूम होने के बाद बंद पर ही प्रेशर रिलीज कर दिया, साथ ही बॉडी पैक कर दी। बाकी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बंद पर साठ प्रेशर डालने के बाद हाँ मशीन की लाइट चली गई थी, बाद में हम जैसी लाइट आती है फिर गैस चार्जिंग करके आपको दिखाते हैं।